नमस्कार दोस्तों, विवेक जुड़नी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक कुमार, मेरे पास है यहाँ पर दो डिवाइस, एक है यहाँ पर रियलमी का लेटेस्ट लॉन्च C35, वहीं दूसरा है सैमसंग का लेटेस्ट लॉन्च A13। और मैं आज यहाँ पर करने वाला हूँ दोनों ही फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और हम देखेंगे किस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको फास्ट देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फ़ोन के हार्डवेयर की। तो दोस्तों, हम आ गए दोनों फ़ोन के ऑप्शन सेक्शन में। सबसे पहले बात करें UI की, तो सैमसंग में आपको मिलता है 1E/4.1, वहीं C35 में आपको मिलता है R एडिशन रियलमी UI का। साथ ही बात करें दोनों फ़ोन के OS की यहाँ पर, तो रियलमी C35 में आपको मिलता है एंड्रॉइड 11, वहीं सैमसंग गैलेक्सी A13 में आपको मिलता है यहाँ पर एंड्रॉइड 12, जो कि लेटेस्ट है। बात करें प्रोसेसर की, तो सैमसंग में आपको मिलता है यहाँ पर एक्जीनोस का 850 ऑक्टाकोर पर, जो कि वर्क करता है 8 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। इसकी 8 की 2 GHz कॉर्टेक्स A53 की है, माली G52 आपको मिलता है यहाँ पर GPU और 4GB की है रैम। वहीं बात करें C35 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है यूनिशोक का टाइगर सीरीज 616 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि वर्क करता है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर। इसकी 2 कोर है 2 GHz कॉर्टेक्स A75 की और 6 कोर है 1.8 GHz कॉर्टेक्स A55 की। माली G57 MP1 आपको मिलता है यहाँ पर, GPU और रैम भी यहाँ पर 4GB की आपको दी गई है। तो यह दोनों फ़ोन का हार्डवेयर, अब देखते हैं स्पीड में किस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको फास्ट देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों, स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पर डाउनलोड रखे हैं दोनों फ़ोन में कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, हम इनको प्ले करेंगे और देखेंगे किस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको फास्ट देखने के लिए मिलती है। और स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दिखा दूँ आपको दोनों फ़ोन की रैम। देखिए यहाँ पर कुछ सेटिंग्स खुली हुई हैं, तो इनको कर लेते हैं क्लोज। तो अभी यहाँ पर दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर एक भी एप्लीकेशन नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्पीड टेस्ट फर्स्ट एप्लीकेशन का, जो कि है हमारा MX शेयर। जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर लॉन्च कर रहे थे दोनों ही फोन में ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, और नो डाउट यहाँ पर रियलमी C35 सैमसंग गैलेक्सी A13 से स्पीड के मामले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्स की, तो वो भी यहाँ पर रियलमी C35 का काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। और क्योंकि दोनों ही फोन में 4GB की रैम आपको दी हुई है, तो देखते हैं किस फोन के बैकग्राउंड पर कितने एप्लीकेशन करंट में अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा MX शेयर था, और यहाँ पर दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारे यहाँ पर मॉडर्न सिटी, और ये भी यहाँ पर दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारा शेयर इट, और यहाँ पर दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर ये भी बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हिल क्लेम, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर हिल क्लेम भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारा स्ट्रीट रेसिंग 3D, और ये भी दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें, तो हमारा पॉप शूटर नेक्स्ट एप्लीकेशन, और ये भी दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। नेक्स्ट एप्लीकेशन स्मैश इट, और यहाँ पर ये भी आप देख पा रहे होंगे दोनों ही फोन के बैकग्राउंड पर ये भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर क्रेजी जूसर, और ये भी दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर बना हुआ है। तो दोस्तों, रैम मैनेजमेंट में कोई डिफरेंस दोनों फ़ोन में नहीं है, दोनों फ़ोन के बैकग्राउंड पर सारे एप्लीकेशन बने हुए थे। लेकिन स्पीड की बात करें, तो यहाँ पर C35 सैमसंग गैलेक्सी A13 से फास्ट है। तो आज का विनर है यहाँ पर रियलमी C35, और ये था हमारा रियलमी C35 और सैमसंग गैलेक्सी A13 के बीच स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
हैव ए नाइस डे।